दोस्तों, एक फाइव स्टार होटल का मुआयना करने के लिए एसपी साहब जाते हैं, वो भी एक ट्रक ड्राइवर बनने। ट्रक ड्राइवर बनकर पहुंचते हैं फाइव स्टार होटल में। जब पहुंचते हैं और वहां काउंटर पर एक महिला बैठी हुई होती है, उससे बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे एक रात बितानी है और वो भी हमें लड़की की आवश्यकता है। तो वो कहती है मिल जाएगी पूरी रात के लिए, ₹10,000 लगेंगे आपको, खाना पीना अलग से होगा। तो सारा बजट बनता है ₹14,000-15,000 का, वो पे करते हैं और वो एल्बम देती है और कहती है इसमें से लड़की आप चुन लीजिए। जब वो खोल करके देखते हैं, किसी ने उन्हें ये बताया था कि इस फाइव स्टार होटल में तुम्हारी पत्नी आती हैं और वहाँ समय गुजारने के बाद चली आती हैं। तो इसी को वो देखने के लिए उस एल्बम को जब पलटने लगते हैं तो दोस्तों वही वाकिया होता है कि उनकी बीवी का फोटो बाकायदा लगा हुआ होता है। दोस्तों जब फोटो देखते हैं तो एकदम एसपी साहब खड़े के खड़े रह जाते हैं, सोचते हैं कि जो मैंने सुना था आज वो देखने को मिल रहा है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव, ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये दिल्ली का वाकिया है दोस्तों। एसपी साहब अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहते थे, लेकिन उसकी जो पोस्टिंग थी वो दूसरे जगह हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में, लेकिन उनके बीवी बच्चे दिल्ली में रह रहे थे। दोस्तों उनकी जो पत्नी थी कर्कश स्वभाव की थी, क्योंकि वो भी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, लगभग 28-30 वर्ष की थी, एसपी साहब भी थे, लेकिन वो आ नहीं पाते थे। तो उनकी बीवी जो थी उस होटल में जाया करती थी। दोस्तों जैसे ही वो उस एल्बम को देखते हैं, देखने के बाद भौचक्के से खड़े रह जाते हैं। वो पूछती है क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, ये लड़की पसंद है, इसी के रूम में मुझे जाना है। तो वो कमरा नंबर देती है। लेने के बाद एसपी साहब चले जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के भेष में होते हैं, क्योंकि अपने भेष में होते तो सिक्योरिटी होती और लोग भी जानते। जैसे ही जाकर के उस रूम के अंदर प्रवेश होते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी जो श्रीमती जी होती है बाकायदा बेड पर बैठी हुई थी। दोस्तों जैसे ही उनकी पत्नी ने देखा तो मानो ये मालूम पड़ा कि पूरे शरीर से पसीना छूट गया हो। पति को देख करके अब उसकी जबान से कोई शब्द नहीं था। एसपी साहब जो होते हैं वो सोचते हैं और ये क्या है, ये मेरी बीवी है जो हमसे कसमें खाती थी, रोजाना वीडियो कॉल करती थी और कहती थी कि ऐसा कभी कुछ हो नहीं सकता। मैंने एक दो बार पूछा। वो पास जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन वो गिड़गिड़ाने सीट ले कहते हैं चिंता मत करो, आप बिल्कुल बेफिक्र बैठिए, मैं तो चला आया लेकिन आप यहाँ मिली, अच्छा किया आपने। ठीक है, आप बताइए आप इस जगह किस हालत में, इस जगह क्यों आई, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। दोस्तों अब उसकी जबान से कोई शब्द नहीं आता है। दोस्तों इसके बाद में जो एसपी साहब होते हैं, इनकी पत्नी एक लड़का से मोहब्बत करती थी, वो लड़का रोजाना होटल में मिलने आता था। तो उस लड़का का फोटो होता है, फोन नंबर सब कुछ होता है, अपनी बीवी से उसे उस जगह बुलवा लेते हैं। बुलवाने के बाद और कहते हैं आप चिंता मत करो, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप चिंता मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं, घर पर चलते हैं, लेकिन उस लड़के को बुला लीजिए। अब पत्नी वाली बात अब वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि रंगे हाथों उस जगह पकड़ी जाती है। पकड़ने के बाद एसपी साहब उसे पूछते हैं कि आखिरकार आपने ये कदम क्यों उठाया। अब उसकी जबान पर कोई शब्द ही नहीं है। उसके बाद में अपनी पत्नी को घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद उस लड़का को बुलाते हैं, जो लड़का उससे मोहब्बत करता था, पत्नी से फोन करवाते हैं और कहते हैं कि किसी को मालूम ना पड़ जाए, इस बात का भनक ना पड़ जाए, उसे यहाँ बुलाना चाहिए। तो लड़का रोजाना की तरह उसके पास फोन जाता है और एसपी साहब की बीवी कहती हैं कि अभी घर पर कोई नहीं है, आप आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आपके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, अभी अभी इसी वक्त आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों जब वो मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन वो लड़का कहता है कि अभी तो मैं नोएडा हूँ, समय लग जाएगा। बोले कितना भी समय हो, कोई भी हो, लेकिन आपको आना है मेरे पास, मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट रह नहीं सकती, मौका बढ़िया है, सुहाना समय है। दोस्तों कहते हैं कि जब किसी का किसी से टांका लग जाता है तो उसे ना दिन में चैन पड़ता है, ना रात को नींद आती है, उसकी तस्वीर उसकी आंखों में बसी रहती है। वही वाकिया होता है दोस्तों
उन्हें ये नहीं मालूम था कि एसपी साहब घर पर मौजूद हो चुके हैं और इनकी पत्नी से ही फोन करवा रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों वो लड़का रोजाना की तरह भागता हुआ गाड़ी से पहुंच जाता है। गेट जब खुलता है, गेट खुलने के बाद और जैसे ही वो अंदर प्रवेश होते हैं तो अपने प्रेमिका को और एसपी साहब को देख करके उनके होश उड़ जाते हैं और बेचारे भौचक्के से खड़े रह जाते हैं। एसपी साहब कहते हैं, आइए श्रीमान जी, आपका स्वागत है, आप डरो नहीं, इधर आइए, अंदर आइए। जब बुलाते हैं, चाय नाश्ता करवाया जाता है और अपनी पत्नी से कहा जाता है कि हमें तुम्हारी खुशी में ही खुशी है, तुम जैसे खुशी रहना चाहती हो वो खुशी के लिए हम आज वो काम कर रहे हैं, हमें कोई उजर नहीं है। उसी समय उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें हमारी ये पत्नी पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय और लोगों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद वकील साहब को बुलाया जाता है, कोर्ट मैरिज के कागज बनवाए जाते हैं और बाकायदा एसपी साहब खड़े होकर के दोनों को एक एक माला पकड़ाते हैं। और भी लोग होते हैं और उनका लिखा पढ़ी से पूरा ही कोर्ट मैरिज करके एक दूसरे का विवाह कर देते हैं। और तब बैठने के बाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे अंदर कमी थी, क्योंकि मैं समय से आ नहीं पाता था, क्योंकि इतना बिजी रहता था और आप यहाँ थी, आपको दिक्कत थी, तुम्हें आदमी की आवश्यकता थी, क्योंकि तुम्हें केवल इश्क की हवस की आवश्यकता थी, अब ऐस और आराम से रहिएगा, ये तुम्हारा पति है। और उससे कहा, ये तुम्हारी पत्नी है दोस्तों। तो अपनी बीवी का विवाह खड़े खड़े वो एसपी साहब और उस लड़के के साथ करवा देते हैं और बाइज्जत गाड़ी में बैठाते हैं। लेकिन एसपी साहब की जो पत्नी नेहा होती हैं श्रीमती जी, गिड़गड़ाने लगती हैं, पैर पटकने लगती हैं, क्योंकि कहाँ एसपी और कहाँ वो लड़का एक छोटी सी जॉब करने वाला और कहाँ ये करोड़ों का मालिक। अब वो गिड़गड़ाने लगती हैं, लेकिन एसपी साहब मुस्कराते हुए कहते हैं कि अच्छा है, क्योंकि मेरे अंदर कमी थी, मेरे अंदर खोट थी, इसलिए तुमने इसे चुना, तो आप इसके साथ खुश हैं तो आप रहिए। मैं रोजाना आपसे पूछता था कि आप किससे बात करती हो, तो कहती मेरी माँ बात करती है, कहीं किसी से बात हो रही है, कहीं तुम्हारा गैस सिलेंडर खत्म हो जाता था, कहीं कुछ खत्म हो जाता था, रोजाना बहाने बनाती थी, लेकिन आज बहाने नहीं चल सकते हैं। दोस्तों ये बात सुनकर के दोनों को हंसी खुशी से वो विदा कर देते हैं और उससे सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता, क्योंकि ऐसी स्त्री को त्याग देना ही उचित होता है। दोस्तों इसके बाद में एसपी साहब जो होते हैं और वहाँ से अपनी ड्यूटी चले आते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छी सुंदर नेक और सुशील लड़की से वो विवाह करते हैं और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और वो लड़की जिसका नाम प्रियंका होता है, एसपी साहब पैसे से ताल्लुक नहीं रखते, केवल एक गरीब और नेक लड़की से ही रिश्ता करते हैं और अपना पुनः विवाह कर लेते हैं दोस्तों, और उसे अपनी साथ रखते हैं, अपना दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा ले जाते हैं, नज़दीक ही गाज़ियाबाद होता है, वहाँ से रोज़ाना अप डाउन करते हैं और अपनी नई बीवी के साथ ज़िंदगी सुकून से गुजारते हैं। उनकी जो बीवी होती है प्रियंका, पति का बड़ा आदर करती है और पति पत्नी दोनों बड़े प्यार से रहने लगते हैं। कहते हैं कि अगर स्त्री का पैर निकल जाता है तो उसे कोई संभाल नहीं पाता, चाहे उसे कुछ भी करना चाहिए, उसकी लत गलत हो जाती है तो गलत ही हो जाती है। एसपी साहब की बीवी ने जो गलत काम किया, उस लड़के से संपर्क किया, उस लड़के से मोहब्बत की, उसका परिणाम, उसका नतीजा उसे भोगने को मिला और एसपी साहब ने उसे बिल्कुल ही त्याग दिया। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि आजकल ऐसे क्राइम और ऐसे काम हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े घरों में ही अक्सर ऐसा होता है कि कोई अपने ड्राइवर से सेट है, तो कोई घर के नौकर से सेट है, कोई किसी के साथ सेट है, कोई फाइव स्टार होटल में जाती है, ना तो पति की मर्यादा है ना ही किसी की मर्यादा है।